इस्लामिक इतिहास रहा है, इतिहास तो इस्लामिक है। और पूछते हैं कि कब बनी है, वो 1728 में इसकी तामीर हुई। ऐसा ही सुरक्षित है जी? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। कितना महत्व है इस मस्जिद का? इसकी अहमियत तो पूरे हिंदुस्तान में इससे ज्यादा बड़े गुंबद मैंने कहीं नहीं देखे। सबसे बड़ी खास बात यह कि इससे बड़े गुंबद, इतनी बड़ी और उसके जो है ऊंचाई कहीं नहीं दिखी, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। ये भी बताया जाता है पूरे भारतवर्ष में जितनी मस्जिदें हैं और इस मस्जिद में सबसे ज्यादा गुंबदों में सोना लगा हुआ है, क्या ये सच है? सच है, लगा तो है। अब कितना लगा ये नहीं कह सकते, लगा है। मुगल कालीन जो इमारत बनी हुई है, मुगल कालीन की इमारत है, इमारतों में कहीं ना कहीं दरार भी आ गई है। हाँ आ गई थी, लेकिन अब तो सही कर दिया उसको, मरम्मत हो रही है, मरम्मत अब भी चल रही है। मरम्मत का जो है मस्जिद में चलता रहता है। हाँ चलता रहता है हमारे। ये भी बताया जाता है कि इस मस्जिद में 73 कब्रें भी बनी हुई है। हाँ फ्रीडम फाइटर्स की 1857 की है, बदर की जंग आज़ादी में वो शहीद हुए थे, उनकी कब्रें बनी हुई है। उनकी कब्रें बनी हुई है। कितनी कब्रें बनी हुई है? 73 हैं। और इसका कितना? ये 1728 में बनी, 300 साल के लगभग हो गए इसे मस्जिद को बने हुए। इस मस्जिद को साबित अली खां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के ज़माने में सिपहसालार थे। उन्होंने पंजाब को कॉन्कर्ड किया, फतेह किया था, तो उसकी खुशी में बादशाह ने अलीगढ़ की जागीर और कुछ इनाम वगैरह दिया था। उन्होंने वो इनाम का रुपया सारा इस मस्जिद में लगा दिया, इसलिए ये यहाँ इस मस्जिद के जो मीनारों के ऊपर गुम्बद हैं, 5 गुम्बद आपको दिख रहे हैं। खास बात यह है इस बिल्डिंग की कि इसमें राजस्थानी अंदाजे तामीर मौजूद है, राजस्थानी अंदाजे तामीर भी मौजूद है, वो पालकी के वो जो गुम्बद बने हुए हैं, और मुगलई अंदाज तामीर भी वो ही मौजूद है। आप खड़े होकर देखें, आप खुद ही फैसला कर लेंगे, हमने इसके अलावा और कभी कोई दूसरी मस्जिद में ये शान बांध देखी ही नहीं। पुरानी इमारत है और मैंने बता रहा 300 साल पुरानी इमारत है, 1728 में बनी, 4 साल इसके बनने में लगे। इस मस्जिद को जो जिसने ताजमहल बनाया था उसके ग्रैंडसन पोते ने इसको बनाया है। इमारत में दरारें दिया है, इमारत में दरारें ऐसा है कि इमारत में दरारें चूने की बनी हुई मस्जिद है 300 साल पुरानी। दूसरे ये कि इसके सामने ही यहाँ जो पाइप लाइन है नगर निगम की 5,500 साल पुरानी, वो पाइप लाइन गल गई हैं और वो गल गई हैं और गल के वो लीकेज कर रही हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि यहाँ पीछे महल्ला बंदूखा का चौक और दीगर कुछ महल्ले ऐसे हैं ऊपर कोट के जो के उसमें दरारें आ रही हैं। नगर निगम को चाहिए कि वो अपनी मेन जो राइजिंग लाइन है वो खराब हो रही है उसको चेंज करे और उसका जो पानी मर रहा है जमीन में उसको बंद कराए, वरना इस ऐतिहासिक मस्जिद को नुकसान